हाय फ्रेंड्स, मधुस फूड फन हेल्थ के आज के एपिसोड में हम सेंट्रीफ्यूगल जूसर के अटैचमेंट से अनार जूस निकालेंगे। ये मेरा उषा फूड प्रोसेसर अटैचमेंट है सेंट्रीफ्यूगल का। मैंने ग्लास रख दिया, पूरा मैंने डेमो आपको दिया है, इसको असेंबल करना मैंने आपको बताया है। दो तरीके करेंगे। पहला तरीका फेल तरीका, जिस तरीके से हम पूरी तरह से जूस नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या किया, मैंने अनार खूब सारा भर दिया और मोटर को बाद में चालू किया है। तो जब हम मोटर को बाद में चालू करते हैं और पहले अनार भर देते हैं, उस सिचुएशन में आधे सीड्स जो हैं हमारे वो बिना जूस निकले हुए इधर उधर फैल जाते हैं। तो ये तो तरीका हुआ फेल तरीका, जूस निकला लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये देखिए कितने सीड्स हमारे बच गए। कोई बात नहीं, इनको निकाल के और दोबारा इस्तेमाल करेंगे। और अब जो हम तरीका इस्तेमाल करेंगे वो नो फेल तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैंने फिर से अटैचमेंट लगा दिया है, एक लिंक दे रही हूँ, पूरा डेमो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको इसको अटैच करना बताया था। अब ये मोटर चालू मैंने पहले कर दी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये दाने। तो सबसे पहले मैंने वो दाने डाले जो कि हमारे पहले पूरी तरह से जूस नहीं निकाल पाए थे। और अब मैं आपको स्कूप्स एक एक करके डाल के दिखा रही हूँ। इसको इवन पुशर की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसको आप ऐसे ही ऊपर से रखते जाइए, डालते जाइए और थोड़े से सीड्स पॉप होते हैं तो आप हाथ ऊपर से रख लीजिए ताकि वो बाहर ना निकले। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सारा जूस निकल जाएगा। जो थोड़ा बहुत एक दो चम्मच सीड्स में रह जाएगा, आप उसको छलनी के ऊपर सीड्स को रख के एक बार ऊपर से चम्मच से पुश देंगे तो जो एक दो चम्मच इसके अंदर बचा हुआ जूस होगा वो भी निकल जाएगा। और हाँ, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, अभी बंद मत करना। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि उन बचे हुए सीड्स का क्या करना है, फेंकना नहीं है उसको डस्टबिन में। तो पहले तो ये हमारा जूस तैयार है, शुद्ध ताज़ा घर का निकला हुआ, जिस पे हमें पूरी तरह से भरोसा है कि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। थोड़ा सा डालेंगे काला नमक ताकि हमारे गले को और जबान को पकड़े ना। और ये हमारा जूस तैयार। है ना मजेदार, ये देखिए प्रेजेंटेशन। और ये हो गए हमारे उसके दाने अनार के। इनको क्या करना है, एक जाली की डब्बी में डाल दीजिए और इनको सुखा दीजिए। आपका सूखा अनारदाना मसालों के लिए बिल्कुल तैयार है।